पर कैलविन पर मोल ओके तो यहां फोर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है गिवन है टेन लीटर फ्लास्क वैल्यूम गिवन है V इक्वल टू लीटर, कंटेनिंग सिक्सटी फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास दिया गया है मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन जो दिया गया है वह है 64 ग्राम ओके टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस ये 27 प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरी इसकी वैल्यू आ जाएगी केल्विन में तो ये टोटल होगा 300 केल्विन ओके okay. आर की वैल्यू दिया गया है 0.0831 लीटर बार पर कैलविन पर मोल ओके प्रेशर निकालना है ठीक है यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है 64 ग्राम सो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो होगा वह 2 इंटू सिक्सटीन इक्वल टू होगा 32 ग्राम ठीक है ये मॉलिकुलर मास हुआ अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सीजन के सो नंबर ऑफ

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एन की जो वैल्यू आएगी वह टू होगे क्लियर है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन देखिए ऑक्सीजन जो है वह आइडियली बिहेव कर रहा है ठीक है तो इसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन कहता है pv nrt और हमें प्रेशर की वैल्यू निकालना है तो p इक्वल टू होगा nrt अपॉन वी एन की वैल्यू टू है आर की वैल्यू गिवन है जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री थ्री वन की वैल्यू हंड्रेड है टेन लीटर ठीक है यहाँ टेन से थ्री हंड्रेड को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा थर्टी और थर्टी का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो सिक्सटी सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन बार आएगा देखिए आर का यूनिट जो है वो बार में हम लोग लिए थे तो प्रेशर किसमें आएगा बार में आएगा ठीक है अब सिक्सटी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इस टोटल की वैल्यू आएगा फोर पॉइंट नाइन एट बार ठीक है तो यही हमारा आंसर होगा अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है फोर बार तो ये नहीं होगा सेकेंड दिया गया है 49.8 बार तो ये भी नहीं होगा थर्ड दिया गया है 4.9 तो हाँ, ये सही होगा यहाँ पर 4.9 दिया गया है तो देखिए फोर 4.9 है तो ये फोर बार ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है फोर्थ दिया गया है टू तो ये नहीं होगा तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा सही होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग